आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर वोट बैंक साधने की कोशिश शुरू कर दी है और जनता को अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बताना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बलिया के 360 फेफना विधानसभा सीट से सपा नेता जुड़ेंगे, जो कि आगामी चुनावों में अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा देंगे। बता दें, हमारे साथ आज बंशीधर यादव जुड़ेंगे, जो दो बार से सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने सपा के साथ जुड़े हुए हैं और सपा से ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही कोरोना काल में भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर वो जनता के बीच जाते हैं और जिस तरह से वो जनता के लिए काम करते हैं और सपा से जुड़े हुए हैं और सपा की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता के हित में काम करते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सपा से नेता बंशीधर यादव के साथ, जो कि सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बंशीधर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप सपा के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सपा के साथ जुड़ने की मुख्य वजह क्या है? आपको कौन सी नीति अच्छी लगी सपा की, जिसकी वजह से आप सपा के साथ हैं? नमस्कार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और नव वर्ष की मंगल कामना जी। देखिए, समाजवादी पार्टी से जुड़ने का, जब से गठन समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, तब से हम विशेषकर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी सबका साथ और सबका विकास, मतलब समाजवादी पार्टी समाज के वंचित तबके का विकास की बात करती है, क्षेत्र की विकास की बात करती है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था, गैर बराबरी दूर करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना और गरीबी अमीरी की खाई को बांटना, समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस तरह की सोच रखती है जी। इसलिए समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को, नेताजी के जो समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जी, जो उन्होंने काम किया है, उससे प्रभावित होकर गठन से ही हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो इस वक्त आपकी विधानसभा में कैसा काम देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई काम विकास कार्य नहीं हुआ है। केवल ये लोग समाजवादी पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के जो किए हुए कार्य हैं, उन पर उनका शिलान्यास करना, उनका लोकार्पण करना, और प्रदेश सरकार का तो काम ही केवल है नाम बदलना। अगर नाम बदलने से प्रदेश का विकास हो जाता तो सब अपना नाम बदल लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना नाम बदल कर अजय कुमार बिष्ट, योगी आदित्यनाथ हुए, उसी तरह सोच रहे हैं कि योजनाओं का, चाहे शहरों का नाम बदल करके हम प्रदेश का विकास कर लेंगे, तो ये कतई संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहे मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, माताओं हो, बहनें हो, सबके बारे में समाजवादी पार्टी सोचती है। और आप देखे होंगे पूरे प्रदेश में की तो बात अलग है, बलिया की भी बात ले लीजिए, तो समाजवादी सरकार में तीन तीन बड़ी बड़ी पुलिया बनी, सड़कें बनी, विधानसभा सीयर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, बांसडी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, रसड़ा में बिजली के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ, चितवड़ा गांव में पावर स्टेशन की क्षमता वृद्धि हुई, नारायणपुर में, ये बसंतपुर में, ये फेफना में, तमाम समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, केवल घोषणा कर रहे हैं जी। बंशीधर जी, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी है, वो लगातार बात करती है महिला सुरक्षा की, विकास की बात करती है, स्कूल बनाए और शिक्षा का अवसर दिया, नौकरी का अवसर दिया, और आप कह रहे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरह जंगल राज है, किस तरह बहु बेटिया, विशेषकर वंचित तबके की बहु बेटिया सुरक्षित नहीं है जी। उनको उनके साथ रेप होता है, हत्या होती है, इसके बाद परिवार को भी उसकी डेथ बॉडी नहीं समझी जाती है, रात को जला दिया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है,
ये भारतीय जनता लेकिन पार्टी बीजेपी तो ये दावा करती है कि पहले की सरकार में ज्यादा जंगल राज और गुंडा राज चलता था और अब उन्होंने सुधार कर दिया है। आपको क्या लगता है, पहले ज्यादा सही था माहौल या अब? ऐसा है कि बीजेपी के देखिए, चाहे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बलात्कारी हो, अत्याचारी हो, अगर बीजेपी का भगवा दुपट्टा ओढ़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सारा उसका गुनाह माफ हो जाता है। लोग हरिद्वार बद्री केदार अपना जाते हैं, वहां दर्शन करके तीर्थ करके लोग चाहते हैं कि हमारा भाई लोक और परलोक में हमारा उद्धार हो जी। हमारा जो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब कोई किसी को बद्री केदार जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाइए और आपका सारा पाप भूल जाता है जी। अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो मौजूदा सरकार पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, और क्या इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अब तो आम जनता जानती है जी, क्योंकि सरकार तो यही कहती है ना कि भ्रष्टाचार की वजह से और जो जंगल राज था, गुंडा राज था, उसकी वजह से सरकार बदली है जनता ने, इसीलिए सरकार को बदल दिया है, आने वाले समय में विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ऐसा है कि ये जो सरकार आई है लोगों को बहका कर आई है जी। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखी होंगी, दारा सिंह चौहान भाजपा के नेता हैं, उनके यहाँ जाकर के उनके लोगों में दारा सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पाल समाज में जाकर बघेल समाज में एसपी बघेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, संजय निषाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सबको मतलब ये बहका करके, और ये लोग पिछड़ों को बहका लिए, फर्जी मीडिया के लोग भी जी। उसमें शहीदार हैं, भागीदार हैं। आप देख रहे हैं मीडिया किस तरह सरकार से सवाल न करके विपक्ष के नेताओं से सवाल करती है, और मीडिया तो इस समय ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो गई जी। तो बहका कर बंशीधर जी, आप कह रहे हैं मीडिया अगर सत्ता की बात करती है तो विपक्ष को बोलने का मौका भी देती है, अगर विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता, अगर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा होता तो आप भी मीडिया चैनल पे बैठ के अपनी ये जो योजनाएं हैं, जो भी बातचीत है और इन सब को बता नहीं रहे होते। नहीं, बात सही कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब बहुतायत मीडिया की बात कर रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों को तो धन्यवाद जो हम लोग जैसे लोगों को की बात जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन अधिकांश जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं जी, उनके बारे में हमारी बात है, आप लोगों के बारे में हमारी बात है जी। बिल्कुल बंशीधर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल है, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किन विकास कार्यों को करेंगे, किन चीजों की कमी देखने को मिल रही है आपकी विधानसभा में जिनको आप सुधारेंगे आने वाले समय में? देखिए, चफना विधानसभा टूल्स मगही गंगा नदी का किनार बसा है और यहाँ तमाम समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, कटान की समस्या है, और वर्तमान सरकार इस सारे कामों पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना है, बिजली के क्षेत्र में विकास करना है, कटान का विकास करना है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश होने के नाते गंगा के और मगही सरयू नदियों का बेसिस होने के कारण आग उग लगती है, इस पर तमाम तरह की समस्याएं जो जंजावर पूरा पिपरा विधानसभा झेल रहा है जी। अगर हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवसर देते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि पिपरा विधानसभा की जनता हमको चुनकर भेजने का काम करेगी, और मैं जनता से वादा करता हूं कि आपके हर दुख सुख में शामिल होकर के आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। और उत्तर आप सर्वविदित है जी। विकास पुरुष अखिलेश यादव जी जितना उत्तर विकास के बारे में सोचते हैं उतना कोई विकास के बारे में नहीं सोचता है। अब योगी जी की ही बात ले लीजिए, वो कहते हैं कि सर्व कल्याणकारी सरकार चल रही है, राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, मतलब ये काशी विश्वनाथ का रिडोर बनवाए और मथुरा की बारी है, तो वो केवल धर्म की बात और नफरत की बात करते हैं, विकास की बात नहीं। हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि शिक्षा क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हो, गरीब वंचित तबकों को मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त शिक्षा मिले। समाजवादी पार्टी किसानों की
आय जो भारतीय जनता पार्टी ने दुगुना करने का वादा किया था, आप बताइए 50 रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ा दिए, चाहे धान का हुआ चाहे गेहूं का, लेकिन उस पर लागत महंगाई की वजह से कितनी बढ़ गई, लागत बढ़ गई 1000 और एक बीघे पे 1000 की लागत बढ़ गई और 500 रुपये गेहूं क्विंटल, 50 रुपये गेहूं चाहे धान का दाम बढ़ गया, बताइए किसे कैसे किसान खुशहाल होंगे। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग जनता में जाने का काम। हम चूंकि इस क्षेत्र के नए नहीं, हम तो जब से मतलब होश संभाले हैं, अन्याय के खिलाफ हमारी हमेशा लड़ाई रहती है, गरीबों मजलूमों दलितों की मदद करना और सामंती जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना यही मेरा काम है। और हम पूरा भरोसा है कि हर जाति धर्म के लोग, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो दलित हो अकलियत के लोग हैं, सारे लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। जी वंशीधर जी, अगर बात करें बलिया की तो वहां पे हमेशा बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है, बिजली की समस्या भी देखने को मिलती है, पानी की समस्या देखने को मिलती है, तो इसके समाधान के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? देखिए कटान मेन समस्या है, बंधा हमारे विशेषकर छेफना की बात मैं करूँ, गंगा के किनारे अगर भरौली से लेकर के और थम्बनपुरा बंधा में अगर बंधा रिंग बंधा बन जाता तो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती। कटान गंगा के किनारे तमाम गांवों में कटान है, टोंस में कटान है, मगही में भी कटान है और वर्तमान सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, अगर अवसर मिला तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। और अखिलेश जी के बारे में आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी तो जो घोषणा करती है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट फ्री में देने का वादा किया है, बीए तक पढ़ाई मुफ्त करने का वादा किया है, रोजगार देने का वादा किया है जी। और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो गीता कुरान और बाइबिल की तरह पवित्र होता है, उसको अक्षरशः समाजवादी पार्टी चाहे नेता जी हो चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो जी। सबने लागू करने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तो जुमला है, वो तो जनता से झूठा वादा करके बका करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद अपना उसको जुमला बोलते हैं जी। तो दो बार से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं, और अगर आपको मौका नहीं मिला तो फिर आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? देखिए दो बार से मैं दावेदारी कर रहा हूँ, लेकिन इस बार चूंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें आशा है उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कर्मों को देखते हुए, क्योंकि चाहे आग लगे बाढ़ आवे कोरोना महामारी में, पहले ही से हम जिस तरह अपने सामर्थ्य पर जनता की सेवा करते हैं कोई भी हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं करता है जी। तो हमें आशा है विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में कार्यों को देखते हुए और हम समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा वफादारी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ के फेफना विधानसभा की जनता का भी हमको आशीर्वाद मिलेगा जी। बंशीधर जी, जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि कोरोना काल में भी आपने जरूरतमंदों की काफी मदद की थी और आप करते भी रहते लोगों की मदद, तो इन सब कामों को देखते हुए और ऐसे कौन कौन से काम है जिसको देखते हुए आपको टिकट मिल सकता है? ऐसा है कि दिन भर हम चलते हैं, किसी न किसी गरीब मुखिया की मदद करने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी, मैं आपको बता दूं, जीवन में 28 सालों में परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार भी हो जाता है तो मैं पहले समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे रखता हूँ, इसके बाद दूसरे दिन उसको के इलाज कराने जाता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में निष्ठा है और यह सवाल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह संविधान और लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी हो गया है जी। तो हमारी अपनी व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता किए बिना समाजवादी पार्टी को सत्तारूढ़ करना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये मेरा लक्ष्य है जी। बंशीधर जी, इस वक्त की जनता का काम भी देख रही है मौजूदा सरकार का, और कोरोना भी है, साथ ही राजनीतिक माहौल भी गर्म आ गया चुनाव की वजह से, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब अगर कोरोना की बीमारी फिर से प्रदेश में क्षेत्र में जिले में आई तो
कोरोना से बचते हुए, अब जब चुनाव होगा तो मतलब कोरोना से बचते हुए और मतदान में अधिक से अधिक भाग लेकर और ये साझेदारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और क्या कहेंगे भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़े थे बंशीधर यादव जी, जो कि सपा के नेता हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं फेफना विधानसभा सीट से, और हम आशा करते हैं कि जनता सही निर्णय लेगी, सबके काम देख के एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेगी। तो फिलहाल प्राइम चर्चा में इतना ही, ऐसे ही तमाम चर्चा के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।